ये लड़का इस घने जंगल में अकेला होता है और ये एक एरिया को मार्क कर रहा होता है। एरिया मार्क करने के बाद ये लड़का वहाँ खोदना शुरू कर देता है। गाइस ये लड़का अकेला काफी देर तक मेहनत करके वहाँ पर एक सर्कल टाइप का गड्ढा बना लेता है। गड्ढा बनाने के साथ साथ ये वहाँ सीढ़ियाँ भी बना लेता है। गाइस जब गड्ढा और सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद ये दीवार में डिजाइन बनाने लगता है। तो गाइस जब ये बॉल डिजाइन बना देता है उसके बाद ये छोटी छोटी अलमारी बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में सारी अलमारी बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद गाइस ये लड़का ऊपर जाता है और ये छोटे छोटे पेड़ काटने लगता है। पेड़ काट कर वहाँ खोद कर सीढ़ियाँ बना लेता है और फिर सीढ़ियों का दरवाजा अपने सर की मदद से आर पार कर देता है। उसके बाद दूसरे जीने पर जाके वहाँ एक बड़ा सा होल बना लेता है। उसके बाद जाता है और लाल मिट्टी भर कर लाता है और उस मिट्टी को दीवार पर लगा देता है। उसके बाद यहाँ लकड़ी का एक छप्पर बना लेता है और इधर साइड में चार बैम्बू लगा देता है और फिर जाता है और अपने मटके में गीली मिट्टी भर कर लाता है। उस गीली मिट्टी को गड्ढे के नीचे वाले भाग में लगा देता है और फिर इस छोटे से गड्ढे के पास बैम्बू लगाने लगता है। बैम्बू लगाने के बाद जाता है और हरी भरी घास की लेयर निकाल कर लाता है और फिर उस लेयर को ले जाकर सीढ़ियों पर लगा देता है। उसके बाद पूरे गड्ढे पर बैम्बू बिछाता है। बैम्बू बिछाते टाइम ऊपर एक छेद छोड़ देता है। उसके बाद बैम्बू के ऊपर पेड़ की झाड़ लाकर बिछा देता है और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देता है और फिर उसके ऊपर पत्ते लाकर डाल देता है जिससे कि किसी को ये न लगे कि यहाँ पर कुछ है। इसके बाद गाइस ये लड़का बहुत सारे बैम्बू लेकर पानी वाली जगह पर जाता है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले ये पेट भरकर पानी पीता है और उसके बाद वहाँ बैम्बू सेट कर देता है ताकि पानी उस गड्ढे तक पहुँच सके। और गाइस कुछ देर बाद पानी आना शुरू हो जाता है। फिर ये लड़का अंदर जाता है और अलमारी में कैंडल लगाने लगता है और इधर कुछ देर बाद ये गड्ढा पानी से भरकर पूल में बदल जाता है। गाइस वास्तव में तो ये गड्ढा एक पूल ही है जो कि इसने काफी मेहनत से बनाया है। जब पूल पानी से भर जाता है फिर ये लड़का उसमें मजे से नहाने लगता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल ऑल स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।